तो यहाँ पे आपको लीड दिखेंगी। सबसे पहले मैं दिनेश वाली लीड पे कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं टिक किया। टिक करने के बाद यहाँ से कॉल का ऑप्शन है, यहाँ से व्हाट्सएप का ऑप्शन है, ये मैसेज का ऑप्शन है, ईमेल का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पोटेंशियल इसका नॉट रिलेवेंट है, लीड स्टेज अनक्वालिफाइड में पड़ा है। ये प्रीमियम है, 21,736 रुपये का प्रीमियम है। यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है, मैं नोट्स पे टिक करूँगा। तो ये पॉलिसी नंबर है और ये पॉलिसी नंबर है, ये प्लान का नेम है, वेरिएंट 3 प्लान है, 15 लाख का मेडिकल कवर है। इसके बाद 2 and 2 लिखा हुआ है, यानी 2 adult 2 kid हैं, सीतामढ़ी में रहते हैं, बिहार के साइड रहते हैं। ये पॉलिसी का जो 1 साल की पॉलिसी है, जो पॉलिसी एक्सपायर हो रही है इसमें मंथ पहले आता है, यानी 4 July 2022 को पॉलिसी एक्सपायर हो रही है। जो जिनकी एज सबसे ज़्यादा है फैमिली में वो है 29 February 1988। कोटेशन के लिए मना कर रहे हैं, यानी हमारी टीम ने इनसे बात की थी कोटेशन के लिए, उस टाइम पे इन्होंने मना कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें दोबारा इनको कॉल करनी है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कॉल अगेन, ठीक है, डन कर देंगे। अब जैसे ही हम लीड खोलते हैं तो हमें दिख जाएगा कि ये डिटेल्स है, कोटेशन के पहली बार कोटेशन के लिए मना कर दी थी, अभी इनको कॉल अगेन करना है। यानी नोट्स का मतलब ये है कि आप इसके बाद इस लीड पे क्या करने वाले हो, तो वो चीज़ मेंशन करनी होती है। अभी हमें इनको कॉल अगेन करना है। अब हम यहाँ से डायरेक्ट टिक करेंगे और कॉलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, हम कॉल करके बात कर लेंगे। जैसे ही हमारी कॉल ख़त्म होगी दिनेश गुप्ता, अब हम यहाँ पे अपने कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारी कॉल्स ख़त्म होती है हम वापस आएंगे। कॉल ख़त्म होने के बाद सपोज़ क्लाइंट ने कहा कॉल नॉट पिक, क्लाइंट का कॉल पिक नहीं हुआ, तो हम ये कमेंट में रिमार्क्स में डाल देंगे। जो भी आप कमेंट डालेंगे वो रिसेंटली एक्टिविटी में आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने कितने क्या क्या कमेंट डाले। तो यहाँ पे हमने डाला कॉल नॉट पिक, तो यहाँ पे आ गया। बैक करेंगे, रिसेंट एक्टिविटी में जाके हम चेक कर सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी हुई है, ठीक है। अब कॉल नॉट पिक, अभी जो लीड स्टेज है हम इसको ओपन रखेंगे कि अभी हमें इस पर दोबारा कॉल करनी है, और पोटेंशियल में लो कर देंगे। जब भी हम क्लाइंट से बात करते हैं तो 4 चीज़ें होती हैं, हमें देखना पड़ता है कि हमारे क्लाइंट से बात करके आपको कैसा लगा, क्लाइंट लेगा या नहीं लेगा, या बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ले लेगा। तो हमारी क्लाइंट से बात ही नहीं हुई है तो हम लो ही रखेंगे। अगर क्लाइंट से बात होती है वो कहता है ठीक है भेज दो, तो मीडियम डाल देंगे, और क्लाइंट कहता है नहीं भेज दो मैं आज ही पेमेंट कर दूंगा, तो आपको लगता है बात करने से वो ले लेगा, तो हाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी अभी बात नहीं हुई तो इसलिए हम इसको लो रखेंगे। और जो 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 आपकी बात होती जाएगी वो आप नोट में डालते जाएंगे। कॉल अगेन, ठीक है, अभी हमने यहाँ पे डाल दिया कॉल अगेन। अब यहाँ से कॉल अगेन करने के बाद हम असाइनमेंट में जाएंगे, और इसको हमें कितनी देर के बाद कॉल करना है, पॉलिसीज़ की आज ही एक्सपायर है, तो हम क्या करेंगे 1 घंटे बाद का टाइमर लगा देंगे, डन कर देंगे। अब आप बैक करेंगे तो आप देखेंगे कि दिनेश गुप्ता पे 58 मिनट के बाद का टाइमर लग गया, यानी 1 घंटे के बाद हम इसको दोबारा से कॉल करेंगे। इस तरीके से हमारे फॉलोअप चलते रहेंगे।